हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन अकेडमी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है आज हम लोग जो पहला चैप्टर था जेनेटिक्स का दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर पढ़ चुके हैं दैट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लेकिन आज का क्लास जो है मेरा डेडिकेटेड है फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो देखती हूँ आप लोग कितनी प्रिपरेशन के साथ आए हैं कितना आपको चैप्टर की समझ है कितना आपको याद हुआ है ये सारी चीजें आज रेवल आउट होंगी आई एम सो सॉरी मुझे लगता है मुझे टाइम आज आठ बजे का ही रखना चाहिए था मेरी मेड जब आई तब मेरी नींद खुली आज ठीक <laughs> है तो मेरी मेड आई थी सेवन थर्टी फाइव पर तो उसने बेल बचाई डोरबेल तब मेरी नींद खुली तो मैंने कहा अरे यार बहुत लेट हो गई मैच बट कोई नहीं ठीक है <laughs> दिस बच्चों संडे होता है ना संडे तो दिमाग से बिल्कुल भूल गई थी मैं क्या संडे को भी मैंने क्लास रखी हुई है चलो इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं जुड़ने का तरीका बहुत आसान है प्ले स्टोर पे जाके आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है उसके बाद वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछेगा आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं नीट यूजी भरिएगा पूछा जाएगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे फिर इस तरीके से ड्यूरेशन होगी वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन अवेलेबल है गो फॉर वन एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन कॉन्टिन्यू करोगे प्रोसीड टू पे के पहले एक ब्लैंक स्पेस होगा जहां पे आपको अपनी मैम का नाम लिखना है शिवानी शिवानी कोड अप्लाई करके जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे एक तो आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाओगे थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन स्पेशल सुपर का पार्ट बन के आप नीट की जर्नी को तय कर सकते शिवानी डाल के अगर लेते हो 80's. आप मेरी में आ जाओगे। सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड ही आप सुपर एटीज का पार्ट बन सकते हो सुपर एटीज का कौन मतलब डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल सब आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी कैसे करें बैक पोर्शन कैसे कवर करें करंट करने का सही तरीका क्या है कहां से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब आपका हेड एक नहीं है थ्रू आउट नीट जर्नी आई विल गाइड यू ठीक है और आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर आप और हम मिलकर तय कर लेंगे ऑल ऑफ यू रेडी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स लेट गेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन ओके हाउ इज द अरेन्जमेंट ऑफ याद करवाया था किस तरीके से मैंडल के जो सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे ना उनका अरेन्जमेंट चार क्रोमोजोम पर किस तरीके से था जल्दी बताओ जल्दी जल्दी आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर वन का आंसर करो क्रोमोसोम नंबर फाइव और क्रोमोसोम नंबर सेवन पे तो था ही सही ऐसे याद कराया था सीक्वेंस ऐसे याद कर लो वन फोर फाइव सेवन

फोर्थ फॉर दिस के लिए है खुशबू ये सेशन. सेफ अट्रोजाइगस स्टॉल प्लांट हीट्रोजाइगस स्टॉल मतलब ये इसको क्रॉस कराया जाए होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ

ड्वार्फ होंगे परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग फिफ्टी परसेंट होने वाला है विच इज मेंशन इन दी फोर्थ ऑप्शन राजकुमार बेटा हीना राशि राशि साहू अलॉन बॉय बेटा सिर्फ ऐसे टू का डी ऐसे आंसर करो ए भी मत करो कई बार लैक के साथ चलता है मोबाइल में तो मुझे पता नहीं चलता आप इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या इसका कर रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन नंबर डालकर ही आंसर करेंगे ठीक है जी चलिए अगर होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जाता है ड्वार्फ प्लांट के साथ तो व्हाट शाल बी द रेशियो ऑफ प्लांटेड ऑफफ्रिंग ऑफफ्रिंग के अंदर प्लांट्स का रेशियो किस तरीके से होगा ये बताना है होमोजाइगस टॉल प्लांट यानी कि ये इसका क्रॉस करा रहे हैं हम विद अ ड्वार्फ प्लांट एफ f2 कुछ नहीं दे रखा तो f1 तो ये होगा सारे के सारे ऑल टॉल होंगे All tall. F2 generation नहीं दे रखा Capital t, small t. Tall होंगे सारे That's why. ये देखो question number three. का गलत है बच्चे कहाँ पूछा है उसने क्यूट गलत है बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो उसने नहीं पूछा है कि एफ टू जनरेशन की वो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री का जीएसएच वीडियो बहुत सारे बच्चे नितिन गलत है गलत है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा एफ टू जनरेशन नहीं पूछा है तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे क्लास टू क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फीनो इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट्स आर रिवर्स इन वन क्रॉस इसे आप क्या कहते हैं जिसमें सोर्स ऑफ गैमिट को रिवर्स कर दिया हो इसे क्या कहोगे बहुत आसान है यही तो था एक्सपेरिमेंट नंबर वन ए को मेल लिया बी को फीमेल ले लिया एक्सपेरिमेंट नंबर टू में मैंने सोर्स ऑफ गैमेट रिवर्स कर दिया मैंने ए को मेल की जगह फीमेल ले लिया है और बी को मेल ले लिया है दिस इज कॉल्ड द इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल

मयंक उपाध्याय सही है ओके द प्रोसेस ऑफ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर करें फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द द क्वेश्चन नंबर प्रोसेस ऑफ बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के अंदर मेटिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फॉलोइंग वर ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव प्रोसेस ऑफ मेटिंग बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर फाइव यर्स इट इज कॉल्ड द इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग कहते हैं जीन का सैग्रीगेशन कौन से स्टेज के अंदर होता है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वैसे मैंने अभी आपको वो नहीं पढ़ाया है बट फिर भी जेनेटिक्स में भी आया ही है तो देखती हूं कुछ बच्चे सम ऑफ द डॉमिनेंट ट्रेट विच इज स्टडीड बायल वर्क ओके अपन जो सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो मैंडल साहब ने डिस्कस किए थे उसमें से डॉमिनेंट ट्रेट्स के बारे में पूछ रहा है Seed shape.

इसमें पॉड कलर येलो नहीं ग्रीन डोमिनंट इसलिए गलत हो गया एक्सियल ठीक है ग्रीन पॉड कलर सीड शेप ग्रीन नहीं येल्लो डोमेंट इसलिए ये गलत हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन डॉली राशि मेघा राय राशि साहू अलोन बॉय सब सही है अम्बरीश कुमार वेरी गुड करेक्ट है बेटा करेक्ट है डॉक्टर मुस्कान सिंह सही है

ये ड्वार्फ के साथ बट को तो ये दिखाई टॉल इनको ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो एफ वन आया कैपिटल टी स्मॉल लेकिन उन्हें दिखा, ये टॉल तो ये एफ वन प्रोजेनि अपने किसी एक पेरेंट की तरह दिखाई देती है फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हटाओ उसका कारण बता दूंगी अभी जो नहीं करवाया वो नहीं करवा दी मैं तुमसेमोगस रेड फ्लावर को एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं तो एफ वन प्लांट आपको पिंक दिखाई दे रहा है एफ टू प्रोड्यूस बाई सेल्फिंग ऑफ एफ वन प्लांट रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट फ्लावर वॉट वुड अपियर रेस्पेक्टिवली होगा इसका वेरी इजी वेरी इजी मेरा जिसे गुले बांस ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं ठीक है थीके? और दूसरा था फ्लार एंटीराइना स्नेप ड्रैगन और डार्क फ्लार भी कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनकमेंस इनकम्प्लीट डोम रेड कलर होमोजाइगस रेड कैपिटल आर कैपिटल आर इसको व्हाइट कलर के साथ क्रॉस कराया एफ वन जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का दिखाई दिया सेल्फिंग कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल आर एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों स्मॉल आर तो ये तो रेड दिखेगा ये तो वाइट दिखेगा और ये तो पिंक दिखेगा तो रेड इज टू पिंक इज टू वाइट का वन का रेशियो आता है और इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इन कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम ही होता है दैट इज वन इज टू टू इज टू वन का विच इज मेंशन इन दी विच इज मेंशन इन दी यस फोर्थ ऑप्शन ठीक है इजी नेक्स्ट क्वेश्चन

डेफिनेशन सेक्शन से क्वेश्चन है ठीक uh, so, wow. है सो वेरी इजी वेरी इजी वाह फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर इलेवन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन इजी क्वेश्चन है बच्चों. किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप इनमें से क्या नहीं हो सकता देखो बेटा पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए भी कभी भी नहीं हो सकता कारण क्या है ओ ब्लड ग्रुप है ना बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप का जीनो है दोनों स्मॉल आय तो एक स्मॉल एक पेरेंट से आया एक स्मॉल आय एक पेरेंट से आया अगर किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके पास तो ये स्मॉल है ही नहीं रिसेसिव वाला तो कैसे हो सकता है ये हो ही नहीं सकता तो अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए भी कभी भी नहीं हो सकता है विच इज मैंशन इन दी थर्ड ऑप्शन सो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन

fourth will be the correct one Okay, chalo rajkumar alone sahil Ahmed, Kritika, Tiwari. cute smile correct hai. the allele which is unable to express its effect in the presence of another is called the allele which is unable to express its effect in the presence of another is called रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाता ना सो यस दिस विल बी द करेक्ट वन फोर्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ मेनी प्लांट्स आर डाई हाइब्रिड इन एफ टू जेनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस एफ टू जेनरेशन में येल्लो राउंड येल्लो रिंकल्ड ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड आपको देखने को मिले चार टाइप के देखने को मिले दो नए वेरियंट आ जाते हैं ये बाद में करेंगे ड्रोसोफिला तो अभी नहीं किया हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा वाई क्रोमोजोम से अगर वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो मेल और अगर वाई क्रोमोजोम एबसेंट है तो फीमेल तो इट इज द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर ये डिटरमाइन करेगा आपके सेक्स डिटरमिनेशन में इसका रोल है मदर का नहीं है फादर का रोल है ह्यूमन बींग्स के अंदर विच क्रोमोजोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर की बात कर लू चाहे मैं आप आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर एटीन का चाहे मैं स्क्वैश बग स्कोशबासा की बात कर लू चाहे मैं कॉकरोच की बात कर लू ग्रास स्क्वैश बग एनासा कॉकरोच एस्कैरिस एंड प्लांट किंगडम में ब्रजीलिया वो सब याद होगा आपको हाँ किसके एग्जांपल है ये ये एक्स नॉट प्रोटेनॉर टाइप का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर एटीन फर्स्ट नहीं बेटा टू ए प्लस एक्स नॉट और प्रोटेनॉर टाइप बी से हम कहते हैं ठीक है सो या क्वेश्चन नंबर एटीन सेकेंड विल बी डेक्ट वन जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रॉस ऑफ किसने प्रपोज किया था

लेकिन फिर सेक्स डिटरमिनेशन होता है सेक्स इंडेक्स रेशियो से नंबर ऑफ एक्सक्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ओटोसोम अगर 1 है, तो फीमेल हो गई अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो पॉइंट फाइव है तो मेल होगा अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो वन पॉइंट फाइव है तो सुपर फीमेल और फीमेल विच इज द स्टराइल वन ये होगी सुपर फीमेल होगी अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो पॉइंट फाइव से भी कम है तो ये होगा सुपर मेल। याद आ रहा होगा सारा और अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो बिटवीन पॉइंट फाइव एंड वन है जैसे तो हम कहेंगे इंटरसेक्स और ये जेनिक बैलेंस थ्योरी दी थी सीबी ब्रिज साहब ने फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन थर्ड विल बी द करेक्ट वन ठीक है बेटा डॉक्टर विकास यादव गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ ओके बर्ड्स के अंदर सेक्स क्रोमोजोम बर्ड्स के अंदर रेप्टाइड्स के अंदर कैसे कुछ इंसेक्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा था मेल मेल एंड एंड फीमेल फीमेल या फिर ZZ ZW ये वाला टाइप होता है बर्ड्स के अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन मैनी ऑफ यू वर्क करेक्ट फॉर दिस अभी जस्ट डिस्कस किया है ठीक है अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन से आई क्वेश्चन द सेक्स इंडेक्स रेशियो सेक्स डिटरमिनेशन जेनिक बैलेंस थ्योरी फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला ऑफ जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन करता है अभी जस्ट डिस्कस किया So, yeah, for this particular question, question number uh, 21, second will be the correct one. Easy question, a bit. Easy question. Next question. If a normal woman marries an albino man and their offspring of half albino, half normal, then woman is. नॉर्मल वुमेन की शादी मैन से हो रही है रेखा वाक का एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ एंटीजन एंटीबॉडी तुम लोग भी सब आंसर करो ब्लड ग्रुप ए जो ब्लड ग्रुप होता है ना वही नाम का एंटीजन है तो इसमें एंटीजन ए होगा एंटीबॉडी जस्ट अगेंस्ट टू दैट बी होगा एंटीजन इसमें बी होगा एंटीबॉडी अगेंस्ट टू दैट ए होगा एंटीजन ए और बी दोनों है इसमें एंटीबॉडी नहीं है इसीलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और इसमें एंटीजन नहीं है एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों है इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है बाकी डिटेल के लिए बेटा आपको मेरा क्लास लगाना पड़ेगा गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दैट ओके क्रॉस इज मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दैट इज द सेकेंड ऑफरिंग एग्जिबिट द रिसोटाइप में क्रॉस कर रहा हूं कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी तो क्रॉस कराओ दोनों कैपिटल बी एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों स्मॉल ये होगा अब वो कह रहा है फर्स्ट हैज डोमिनेंट डॉमिनेंट ये एक का व्हाट व प्रोबेबिलिटी ऑफ विच दिंग ट्रेट चार में से एक का ही होगा फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन वेरी इजी ठीक है फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन

क्योंकि राइट हैंडेड डोमिनेंट है तो दोनों रिसेसिव वाला आएगा तो उनके क्रॉस कराएंगे तो बच्चे वैसे ही होंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राइट हैंडनेस इज डोमिनेंट ओवर द लेफ्ट हैंडनेस ओके व्हाट ऑफ स्प्रिंग वुड बी द या सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बच्चा ही हो सकता है उनके राइट right हैंडेड बच्चा हो ही नहीं सकता एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ठीक है एक्सप्लेन कर दू एक्सप्लेन कर रही हूँ एक सेकेंड बच्चों इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए बेटा मान लो ये ये आपका ले right ले रहे रहे हैं हैं हम और तो 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 अगर होते ही दिखता ना क्योंकि डोमिनेंट के प्रेजेंस में रिसेसिव शो नहीं कर पाएगा यानी कि पेरेंट ये है तो बच्चे ये ही होंगे ना सिर्फ लेफ्ट हैंडेड ही होंगे इसीलिए आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में िटी ऑफ ए फोरसन टू अ कपल इज चार बेटे हों इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्रभा कुमारी को किसी ने जबरदस्ती बेटा एक सेकेंड आप लोगों को तो, होल्ड करना पड़ेगा जस्ट गिवी से दो मिनट के बाद आ रही तुम आंसर देखो मैं चैट जरूर चेक कर रही हूँ चैट जरूर चेक कर रही हूँ मेरे को आज थोड़ा सा एक्चुअली नो बडी इज एट माई रेजिडेंस राइट नाउ ठीक है डॉक्टर साहब भी हॉस्पिटल गए हुए हैं और आज पप्पा जी के विसर्जन के लिए अभी मेरे को मतलब सुना ही दे रहा है कोई आया है मुझे आवाज़ दे रहे हैं तो थोड़ी सी देर दो मुझे मैं दो मिनट में वापस से आ रही हूँ आप जब तक इसका आंसर कीजिए मैं आपका चैट देख रही हूँ तब तक वन बाय फोर गलत है प्रियंका बेटा आगे बच्चों एक होने की हमेशा फिफ्टी परसेंट ही रहती है वन बाय सिक्सटीन रुक जाओ मैं आंसर देख लू लो, तुम लोग क्या कर रहे हो करेक्ट है हा आ जाओ पेडिग्री 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 यस गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली विथ फाइव चिल्ड्रन इट शो द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोज टू द फ्री वन ये स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल इंडिविजुअल एंड सर्कल द फीमेल इंडिविजुअल आपको पता है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपका इनमें से क्या करेक्ट है देखो और बताओ फिर मैं बताती हूँ पेडिग्री के क्वेश्चन बताए थे कैसे सॉल्व करने क्या अप्रोच होना चाहिए बताओ फिर तुम मैं बताती हूं जल्दी बताओ बहुत इजी है बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वेरी इजी बेटा

कि ये पैरेंट हीट्रोजाइगस है तभी ही तो बच्चों में डिजीज आई तो पेरेंट्स आर हीट्रोजाइगस एज इट इज डिस्कस किया है पेडिग्री पढ़ाते वक्त ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स जिसने मुझसे रेगुलर क्लासेस लिए है उसको याद आया होगा एज इट इज डिस्कस किया था सो या फोर्थ विल बी द करेक्ट वन जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार में पेडिग्री नहीं लगा पाएगा यहाँ पर या गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल जीन पहले ही बोल दिया, है. Parent? Parent का है. बहुत आसान। कैसे आप इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मैं भी आपको बताऊंगी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ऐसी चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है बेटा मैंने सॉल्व भी कर लिया और मुझे भी नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रैंडम पीपीटी ओपन करी है जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर का ट्वेंटी का वाले गोली मार दूँगी गलत है गलत है बच्चा राशि गलत है राजकुमार भी गलत है कैसे कर सकते हो तुम ये ऐसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन राशि गलत राजकुमार गलत क्यूट स्माइल भी गलत ओ माय गॉड राशि साहू ने अब सही कहा है अंकिता सही है बहुत से बच्चे गलत कह रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ये पहले ही बोल दिया ना ऑटोसोमल रिसेसिव में हमें एक चीज पता है कि जब दोनों अलील डिजीज होंगे तो ही डिजीज दिखाई देगी और डिजीज अलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव में डिजीज अलील सिर्फ यही होगा बीस में डिजीज दे रखा है तो यानी कि बी का जीनोटाइप सिर्फ यही पॉसिबल है ए का ये भी हो सकता है तो यह भी हो सकता है हमें नहीं पता क्या है लेकिन बी तो सौ प्रतिशत ये होगा बी दोनों स्मॉल दे ही सिर्फ एक ऑप्शन में रखा है दे ही सिर्फ एक ऑप्शन में रखा है आप सिर्फ बी देखो ये हो ही नहीं सकता ये इजी गोइंग फर्स्ट मैंने सिर्फ पहला यहां पर नजर गई वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये समझ में आया अब जल्दी बताओ समझ में आया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन आई समझ में डिजीज है ना बेटा तो दोनों स्मॉल ही ना होंगे फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अब पेडिग्री शोन बिलो फॉर अ डिजीज जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है इसने भी पहले ही बता दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप बोलो फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप बोलो बहुत आसान ये भी रूल ऑफ एलिमिनेशन से ही तुरंत हो भी गया सॉल्व मेरा डन सॉल्व द क्वेश्चन एक नजर में एक नजर में क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी बताओ बहुत आसान क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेरी 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 इजी दिल का दिमाग झगड़ा को लगाया कोई इश्क का बेटा इसमें पहला जनरेशन का जेनेटिक मेकअप पूछा ऑटोसोमल एक भी डिजीज नहीं दिख रहा ना तो ये दोनों स्मॉल है तो डिजीज दिखते ठीक है मैंने तो कहीं पर भी ऐसा या ऐसा बनाया ही नहीं है तो ये तीनों तो गलत हो गए रूल ऑफ एलिमिनेशन ही काम कर जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर विल बी द करेक्ट वन वेरी वेरी इजी इजी ठीक है हार्डी वैनबर्ग लॉ अभी नहीं पढ़ाया ना तुम्हें ना हार्डी वैनबर्ग नहीं पढ़ाया ना मैंने तुम्हें हार्डी वैनबर्ग नहीं पढ़ाया मैंने शायद तुम्हें जल्दी बताओ तो बेटा पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें हार्डी वैनबर्ग हम मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ेंगे तो मैं ये हटा रही हूँ अभी

ब्लू आई कलर इज रिसेसिव है ब्राउन डोमिनेंट है बिटवीन अ ब्लू आई वुमेन क्वेश्चन नंबर 31 फोर्थ विल बी द करेक्ट वन 31 का फोर्थ विल बी द करेक्ट वन इफ द फर्स्ट सेवन बोर्ड बोर्न टू अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ अ पेरेंट्स आर ऑल मेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट चाइल्ड विल आल्सो बी मेल 50% ही होता है हमेशा फुल ऑफरिंग होगी पेडिग्री दे रखा है पेडिग्री गिवन बिलो एंड असाइन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड पेडिग्री ढूंढो पेडिग्री 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 जल्दी बहुत आसान पता लग गया पैटर्न आंसर भी हो गया इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बहुत ईजी है जल्दी ढूंढो इज जब पेडिग्री पढ़ाया था तो बताया था क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स प्लीज एट द करेक्ट वन देखो ये वाला जनरेशन देखो पेरेंट्स एग्जैक्टली नॉर्मल लेकिन बच्चों में डिजीज दिखाई दे रही है ठीक तो है पेरेंट्स है मेल और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी से हो रहा है यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव थर्ड विल बी द करेक्ट वन थर्ड विल बी द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 33 थर्ड विल बी द करेक्ट वन स्पेशल क्लास में पेडिग्री के क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं आपको करवा दूंगी

क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव साइटोप्लास्मिक मेल्स चैरलिटी इट इज इनहेरिटेड साइटोप्लास्मिक मेल्स स्टेरिलिटी इज इनहेरिटेड थ्रू नजीम खान पहले का मतलब इसका हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का थ्री है

इसका आंसर कर दो इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट कंट्रोल्ड बाय थ्री पेयर ऑफ जीन टू इंडिविजुअल हीट्रोजाइगस से तीन अलील क्रॉस करते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा ये तो एज इट इज रट्टा होना चाहिए स्किन कलर में था ना ऐसा तीन वाला जाओ ये बताओ जो नहीं पढ़ा है अभी उसको स्किप करू क्योंकि कुछ क्लासेस बाकी है ना इसलिए बेटा हाइपर ट्राइकोसिस एक्सेसिव हेयर ऑन हेयर ऑन इलाक कैरेक्टर है वाइजीन पर प्रेजेंट होता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन करेक्ट है कौन सा है इसमें अच्छा कौन सा नहीं है ये भी सेक्स लिंक ट्राइपोसेस वाई लिंक है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों एक्स लिंक है बार्डनेस ये सेक्स इंफ्लुंस्ड कैरेक्टर है

विच कैन एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट अकर ऑन मेल के एक्स प्रोमोजोम पर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू थोड़ी देर में ओवर करती हूं क्लास या नेक्स्ट क्वेश्चन वे क्लस्टर ऑफ जीन शो लिंकेज बिहेवियर देन दे फॉलोइंग वर द ऑप्शन लिंकेज मैंडल हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का ही एक्सेप्शन है लिंकेज लिंकेज तो अगर को शो कर रहा है यानी कि वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट को शो नहीं करेगा विच इज मैंशन इन थर्ड ऑप्शन दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन एक नॉर्मल वुमेन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे यानी कि फीमेल कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी क्योंकि एक्स लिंक डिजीज है ना ये कलर ब्लाइंड मेल ये लो यानी कैसे होंगे द सन वुड बी एक्स सी एक्स एक्स वाई सी वाई एक्स 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 वाई बेटों में पचास परसेंट कलर ब्लाइंड होंगे पचास परसेंट नॉर्मल होंगे पचास परसेंट कलर ब्लाइंड लड़के थ्री इजी क्वेश्चन ठीक है थर्ड विल बी द करेक्ट वन इफ अ फादर शो नॉर्मल एंड मदर शो अ करियर ट्रेट फॉर हीमोफीलिया नॉर्मल जीनोटाइप है अगर फादर का यानी कि फादर है एक्स वाई और मदर शो अ करियर ट्रेट ऑफ हीमोफीलिया एक्स एच एक्स ये कैरियर है हीमोफीलिया के लिए कराओ क्रॉस हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ना ऑल द फीमेल चिल्ड्रन विल बी द कैरियर नहीं ये तो कैरियर नहीं है तो ये गलत हो गया

कपलिंग फेज कपलिंग और रिपल्शन फेस हमने बात की थी ठीक है और ट्रांस कपलिंग और... फेस में तो दोनों डोमिनेंट एक साथ और दोनों रिसेसिव एक साथ दिस इज द कपलिंग फेज और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रिपल्शन फेज एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ऐसे ये रिपल्शन फेज इसे सिस अरेंजमेंट भी कहते हैं और इसे हम ट्रांस अरेंजमेंट भी कहते हैं कपलिंग फेस में ये दे रखा है ना फोर्टी फाइव का यस फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन ठीक है चलो अ वुमेन विद नॉर्मल विजन लेकिन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे इसकी शादी एक कलर ब्लाइंड मेल से हो रही है द सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वॉज अ बॉय तो ये बॉय कैसा होगा ओके वुमेन विद नॉर्मल विजन लेकिन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे यानी कि फीमेल कैरियर होगी तो डायरेक्ट एक्सीड फॉर्मेशन ही कर लेते हैं मैरीज अ कलर ब्लाइंड मेल यानी कि एक्सी वाई के साथ शादी होगी क्रॉस कराओ कलर ब्लाइंड फीमेल कलर ब्लाइंड मेल कैरियर फीमेल

लिंकेज का डिस्कवरिंग मॉर्गन साहब ने की थी तो ये आपको बताइए ओके या साइंटिस्ट के नाम वो तो रट्टाफिकेशन वाला है मंदिर जाके हो वेरी गुड इफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन क्रोमोसोम इज मोर देन याद करो एक फॉर्मूला याद करवाया था application of link strength of linkage is inversely proportional to the distance between the linked gene and it is inversely proportional to the crossing over अब वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन क्रोमोजोम देन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज प्रोपोर्शनल का है तो वीक लिंकेज को शो करेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अच्छा क्रॉसिंग ओवर पे भी दे रखा है ये ज्यादा है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा ही होगा लेस क्रॉसिंग नहीं होगा बेटा क्रॉसिंग ओवर तो ज्यादा ही होगा डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा नए रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा ही बनेंगे फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है सिर्फ फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन ठीक है इजी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी प्लीज इट द करेक्ट वन

द लिंकेज के जस्ट अपोजिट काम करता है दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे आगे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस होगी लेकिन अब वो आज नहीं होगी लिंकेज के अब अगेंस्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहीं तो एक्सेप्शन है लिंकेज सो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन दैट्स ऑल इट इज ऑल अबाउट माय टुडेस क्लास इट इज ऑल अबाउट माय टुडेस सेशन ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे दैट्स ऑल अगर आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक मैनर में नीट की जर्नी को तैयार करना तयार करना चाहते हैं तो सत्रह तारीख से मेरा नया बैच शुरू हुआ है सत्ताईस तारीख से भी मेरा नया बैच शुरू होने वाला है तो जिसने अभी तक भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं वाई यूजिंग माई कोड शिवानी इससे आपको आपकी फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप मैटिफोनिक कॉन्वर्सेशन और मेरे स्पेशल बैच सुपर एटीज का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ शिवानी कोड के साथ ही संभव है आप मेरी मेंटरशिप और और मेरे सुपर का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड के साथ ही लेना होगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है डिटेल वीडियो के शुरुआत में मौजूद है ठीक है बस इतना ही आपको डिस्काउंट तो तुरंत मिल जाता है सुपर एटीज का पार्ट बनने के लिए मेरी मेंटरशिप में आने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझसे मेरी प्लस क्लास में स्पेशल क्लास में आके बता दीजिएगा मेरे पास भी डाटाज होता है we'll और फिर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ ठीक है इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज क्लास इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू एंड ब बाय बच्चे सेशन लाइक करते जाओ यार